क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10 दैट इज हिस्ट्री ऑफ मेडिकल। ठीक है, हम मेडिसिन सॉरी नॉन मेडिकल मेडिसिन की हिस्ट्रीज पढ़ेंगे कि कैसे मेडिसिन बनी या क्या इसकी हिस्ट्री थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बींग इज मॉडर्न इन मॉडर्न टाइम इज मच लॉन्गर देन इट यूज टू बी। जो लाइफ स्पैन है आज के टाइम में लोगों का, मॉडर्न टाइम मतलब जो अभी का टाइम चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है बजाय जो पहले लोग रहते थे। ठीक है, न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज हैव रिड्यूस मच ऑफ द पेन एंड सफरिंग कॉज बाय द डिजीजेज। और नए मेथड और टेक्नोलॉजी जो ट्रीटमेंट की आ रही है किसी भी डिजीज की, वो क्या करती है, पेन को और सफरिंग को, यानी जो हम सफ़र करते हैं, जैसे हमें दर्द होता है, ठीक है, तो जो हम झेलते हैं उस पेन को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। दे हैव मेड ह्यूमन बींग हेल्दियर देन बिफोर, और इसी के कारण आज का जो ह्यूमन बींग है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है बजाय पहले के। मैनी डेडली डिजीजेज हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल, और कई सारी डेडली डिजीजेज जो है उनको कंट्रोल में लाया गया है। मैनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प इन फाइटिंग वेरियस डिजीजेज, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, मशीन बनाई गई हैं, ताकि हम लोग जो डिजीज है जो ह्यूमन बींग को होती है उससे फाइट कर पाएँ। वी हैव ऑल्सो लर्न वे ऑफ प्रिवेंटिंग मैनी ड्रेडफुल डिजीजेज एज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इसके अलावा सिर्फ ट्रीटमेंट ही हमारा मेन सोल्यूशन नहीं है, हमने इसके साथ साथ उसको क्योर करना भी सीखा है, मतलब प्रिवेंट करना भी सीखा है कि कैसे जो आपकी बीमारी है वो आपको हो ही ना, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर से, यानी बाद में बचाव करने से अच्छा है, बाद में उसका ट्रीटमेंट करने से अच्छा है कि पहले ही आप अपना बचाव करके रखो। तो इसी लाइन का मतलब होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम क्या सीख रहे हैं आज के टाइम में कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ चीज़ें बना रहे हैं कि आपको ये चीज़ हो ही ना या कोई पर्टिकुलर बीमारी हो ही ना। सम इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प इन फाइटिंग डिजीजेज, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला है थर्मामीटर। द इन्वेंशन ऑफ थर्मामीटर बाय ग्रिबलियन डैनियल फारेनहाइट अ जर्मन फिजिसिस्ट, ये क्या है, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और 1715 में हैड मेड इट पॉसिबल टू नो एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। और 1715 में हमें ये पॉसिबल हो पाया, ये हमारे लिए पॉसिबल हो पाया कि हम किसी के भी पेशेंट का बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर यानी सही टेम्परेचर क्या है वो माप पाएं। दिस हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली, और इसी के कारण से जो डॉक्टर है वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकता है। अगर उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको मेडिसिन कौन सी देनी है, कम है या माइल्ड है तो कौन सी मेडिसिन देनी है। वेन एवर देयर इज इन्फेक्शन इन द बॉडी, जब कभी भी आपके बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इसी को हम फीवर बोलते हैं। ठीक है, द स्केल ऑन द थर्मामीटर शो द डिग्री इन फारेनहाइट, अगर आप थर्मामीटर उठाएंगे, थर्मामीटर जब उठाएंगे तो उसमें स्केल्स आएंगे फारेनहाइट में। ठीक है, फारेनहाइट एक डिग्री होती है टेम्परेचर को नापने की, तीन होती है वैसे, फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, तो अगर आप फारेनहाइट में देखेंगे तो फारेनहाइट में आपके जो थर्मामीटर है उसमें 95 फारेनहाइट से 110 फारेनहाइट जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, और अगर सेल्सियस में देखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ रहा होगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आता है 98.4 फारेनहाइट जो है या 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर फारेनहाइट वाला आपका थर्मामीटर है तो 98.4 अगर आ रहा है यानी आपका जो भी इंसान है, जो पेशेंट है, उसको फीवर नहीं है, और अगर सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है उसको फीवर नहीं है, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। द बॉडीज टेम्परेचर यूजुअली यूजेस मर्करी थर्मामीटर, द डॉक्टर्स थर्मामीटर यूजेस मर्करी, जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है उसके अंदर मर्करी होती है, बिकॉज इट इज हाई, इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये जल्दी से गर्म हो जाता है और फ्रीज जो है वो एकदम से नहीं होता है। इफ अ पर्सन हैज़ फीवर द मर्करी राइज अबव द, जो मर्करी है वो कितना ऊपर आ जाएगा, 98.4 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अगर एक पर्सन को फीवर है तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ये वाला हमारा नॉर्मल टेम्परेचर था ना, इससे बढ़ जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप, अब स्टेथोस्कोप क्या होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसके गले में कुछ डला होता है। ठीक है, ऐसा, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, स्टेथोस्कोप। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे डॉक्टर रेने लेनिक, इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप, और इन्होंने जो स्टेथोस्कोप है इसको इन्वेंट किया था। द स्टेथोस्कोप हेल्प द डॉक्टर टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड द लंग। और इससे हमें क्या पता चलता है स्टेथोस्कोप से, बेसिकली हमें ये पता चलता है कि आपका लंग्स और आपका जो हार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है। नहीं, आपको जब भी स्टेथोस्कोप लगाया जाता है तो हमेशा बोलता है ना डॉक्टर, हमेशा डॉक्टर बोलते होंगे आपको कि जोर जोर से सांस लो, भारी सांस लो, धीरे सांस लो, ठीक है। तो वो आपके लंग्स और हार्ट का फंक्शन जो है वो देख रहे होते हैं। अब आते हैं माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? अ माइक्रोस्कोप हेल्प टू सी वेरी मिनट ऑब्जेक्ट्स बाय एनलार्जिंग देयर साइज, यानी बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो है उनका साइज को बड़ा करके माइक्रोस्कोप हमें दिखाता है। इट हेल्प द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द जर्म्स दैट कॉज वेरियस डिजीजेस, और इसी के अंदर से साइंटिस्ट को पता चलता है कि अगर आपको कोई डिजीज हो रही है तो उसका कारण क्या है, कौन सा जर्म है उसमें, और उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। अगर वो दिखेगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। इन अराउंड 1590 यानी 1590 के आसपास टू डच ऑप्टिशियन, दो डच के जो थे ऑप्टिशियन थे, ठीक है, जुकेरियस जैनसन और उनके फादर जो थे हैंस, पुट सेवरल लेंसेज इन अ ट्यूब एंड इन्वेंटेड द लाइट माइक्रोस्कोप, और उन्होंने एक लेंस के अंदर, एक ट्यूब के अंदर कई सारे लेंस डाले और एक लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया। गैलीलियो हर्ड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन हिज ओन, जब गैलीलियो ने ये चीज सुनी तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ही मेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, और पहला माइक्रोस्कोप बना लिया। लेटर एंटन वेन ल्यूवेनहो इम्प्रूव अपॉन गैलीलियो माइक्रोस्कोप, ही इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, और एंटन वैन जो है उन्होंने गैलीलियो के माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और वो ही क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। द लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाई डच ऑप्टिशियन वॉज कॉल्ड फिया ग्लासेस, और जो लाइट अभी मैंने, हमने माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया था, जो बात करी थी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिया ग्लास, ठीक है। अब आते हैं मेडिकल इमेजिंग, यानी मेडिकली जो हम इमेज देखते हैं वो। बाई टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी डॉक्टर ट्रीट अस फॉर वेरियस इलनेस, यानी जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फोटो लेते हैं और उसी के बेसिस पे हमें ट्रीट करते हैं, हमें क्या कहते हैं, दवाइयाँ देते हैं, या आराम करना है, वॉक करना है, क्या करना है, उसी के बेसिस पे हमें ट्रीट करते हैं। द एक्सरे वॉज इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट विलियम कोरिड रोहजिन, ठीक है, रोहजिन, ठीक है। जो एक्सरे था वो किसने, एक जर्मन फिजिसिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसको विलियम पढ़ते हैं हम, विलियम ने, ठीक है, इन 1895, और 1895 में एन एक्सरे मशीन इनेबल अस टू टेक इमेज फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, और एक एक्सरे मशीन बनाई गई जो क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर की तस्वीर ले पाए। स्पेशल मशीन कैन बी पुट इनसाइड द बॉडी टू रिप्लेस डैमेज ईयरडम्स और इवन टू हेल्प द हार्ट टू बीट। स्पेशल मशीन्स जो हैं बेटा वो आपके बॉडी के अंदर रिप्लेस करी जाती है ताकि आपके डैमेज ईयर, मतलब आपके बॉडी के अंदर रखी जाती है ताकि अगर आपका ईयर ड्रम्स जिससे हम सुनते हैं, अगर वो डैमेज है तो उसको रिप्लेस किया जा सके, और इवन आपको हार्ट भी बीट कराया जा सकता है। MRI, अब MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मशीन यूज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। MRI क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर की इमेजेस लेती हैं। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मशीन। अब ये क्या होता है, प्लॉट्स द हार्ट बीट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, यानी कभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके ग्राफ पे वो हार्ट बीट आपका बताता है, ठीक है, ग्राफ के बेसिस पे। द अल्ट्रासाउंड मशीन यूजेस अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट प्रॉब्लम इन द इंटरनल ऑर्गन, और अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती है हमारे बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। अब आते हैं सर्जरी पे। सर्जरी क्या होता है, सर्जरी इज एन ऑपरेशन वेयर इन द ह्यूमन बींग इज कट ओपन एंड ट्रीट अ डिजीज और इन्फेक्शन और टू हेल्प इम्प्रूविंग बॉडी फंक्शन और अपियरेंस। सर्जरी मतलब कि आपके बॉडी पार्ट को कट किया जाता है, मतलब ऊपर से मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जाता,
ठीक है, आपके बॉडी में कट लगाया जाता है और आपके बॉडी को ठीक किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है ताकि आपके बॉडी का फंक्शन सही हो जाए या फिर आपकी बॉडी की अपीयरेंस ठीक हो जाए. अ सर्जन इज अ पर्सन हु परफॉर्म सर्जरीज. सर्जन किसको बोलते हैं जो सर्जरीज परफॉर्म करता है. अ सर्जन कैन लास्ट फ्रॉम अ मिनट टू मेनी आवर्स. मतलब एक सॉरी अ सर्जरी जो है वो कोई कोई कुछ मिनट्स में भी हो जाती है और किसी में कई घंटे जो है वो लग जाते हैं. टुडे सर्जरी इज यूज फॉर एम्प्यूटेशन विच इन्वॉल्व कटिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट. ठीक है, अब आज की जो सर्जरी होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट है उसको कट कर दिया जाता है. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन्वॉल्व रीबिल्डिंग ऑफ द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है कि आपके जो इंजर्ड पार्ट होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड किया जाता है, दोबारा बनाया जाता है. कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो क्या होती है, आपकी अपीयरेंस या बॉडी शेप को इम्प्रूव करने के लिए हम कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हैं. ठीक है, लेज़र सर्जरी क्या होती है. लेज़र सर्जरी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ लेज़र, नाम से ही आपको पता चल रहा है, लेज़र का इस्तेमाल होता है और इंस्टेड ऑफ स्कैल्पल का इस्तेमाल नहीं होता है. रोबोटिक सर्जरी जो होती है मेक यूजेस ऑफ सर्जिकल रोबोट. रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोटिक सर्जरी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल रोबोट्स का. रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन लाइक किडनी हार्ट लीवर एक्सेट्रा इज ऑल्सो मेड पॉसिबल बाय द सर्जरी. यानी आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका लीवर कुछ भी बदला जा सकता है. ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दी हुई है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ठीक है, टुडे सर्जरी इज मच सेफ एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्लियर टाइम. और आज के टाइम में क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मशीनरी इम्प्रूव हो चुकी है, तो आज की जो सर्जरी होती है वो बहुत ज़्यादा सेफ है बजाय पहले के. ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे.